इस वास्ते आज असा इतने सिर्फ ये गल ते कर दी इन लोगों दसलाया कि असा अज मैदान में निकल आए हैं और असी अपन नस्लों का दिफा करना चाहते हैं जोड़ा साढ़े बच्चों के स्कूल की तरफ देखती जोड़ा साढ़े बच्चों के बोर्ड की तरफ देखती जोड़ा साढ़े बच्चों की यूनिवर्सिटिया से नजर रखती असी उसके आख्या कर दिता और उस अल्लाह करके सारी कह आओ मिलकर मट्टी खोदे, आओ मिलकर मट्टी खोदे, उसमें अपने दिल बोदे, उसे आबाद करे आरजुओं के पसीने से, इस बेकार जीने से जब तू खुश है ना मैं खुश। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज एबटाबाद ने तालीमी बोर्ड की मुंतकली की गल करने वाले एक गल भुल गए कि हजारे की सरजमीन उत्ते बसने वाले मशहूर और मशहूर आवाम इस बोर्ड कदे भी जरे मुंडा के नहीं करते। 1947 के रिफरेंडम तो खेल के आज तक कतारेवाल कौम ने तुसा हमेशा शिकस्त दी है और तुसी हर रोज सारा इम्तिहान दिते हो कि असी जरे ढिले दे ना होंगे। असा अपनिया नस्लां अपना सब कुछ मुंतकिल कर छोड़े और साड़िया नस्लां इस कलम दिया अमीर ने साड़िया कि असी ना हुआ कि वह हजारे के हर काम वास्ते अगे खल के निकलो और अपनी जाना के नजराने भी पेश कर। कैंप चौक में आज तो बाद कल तो एक कैंप लग सी और एक कैंप लग के अवामी अगाई का कैंप हो सी उसे तुसा लोग सारे आने और आके यकजहती का इजहार करने और जी हजारे वाल कौमां सब तो बड़ा जोड़ा मसला है वह भी कि एबटाबाद में जोड़ा सा पासपोर्ट ऑफिस है उस पिछों असी पासपोर्ट लाने तो बाद प्रोटेक्शन प्रोटेक्टर लाने वास्ते असा पिशावर जुड़ना पैदा और जोड़ा 100 रुपए का प्रोटेक्टर होंगे उसके 40-40, 50-50 हज़ार रुपया साढ़े को रिश्वत कहते हैं। इस वास्ते सारा मुतालबा है वे कि अगर एबटाबाद में पासपोर्ट ऑफिस बन जाए एक आदमी है कुर्सी से मेज दे के इतने बाल छोड़ो ताकि वो प्रोटेक्टर भी ला के थोड़ी लोग दे और लोग आरामे इस वास्ते मैं तुसा सारे लोगों का बहुत मशहूर हाँ कि तुसा हजारा एक्शन कमेटी की कॉल उत्ते इतने सारे आए हो लेकिन एक वादा कर सो सारे हाथ भी चासो और एक गल आख सो कि हजारे की मिट्टी वास्ते हजारे के बच्चों वास्ते हजारे की नस्ल वास्ते अगर असा अपनी जान भी कुर्बान करनी पवे तब एबटाबाद को आजादी मिलेगी, तब हजारा को आजादी मिलेगी। हम लिसानी बुनियाद पर बात नहीं करते, हम इंतजामी बुनियाद पर बात करते हैं। हम किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करते, हम अपने हकूक की बात करते हैं कि हमारे एबटाबाद को बोर्ड को मुंतकिल न करो। अगर मुंतकिल करने की साजिश करोगे, इब्तदा करोगे, तो फिर हम एहतजाज करेंगे, आगे निकलेंगे और ऐसे निकलेंगे जिस तरह हम तहरीके हजारा में निकले थे। तुमने तहरीके हजारा में भी साजिश की थी, उस वक्त भी तुमने हमारे साथ गेम की थी। अब नई गेम करने में मैनेजमेंट जो है वो लाने जा रहे हो, मैनेजमेंट नहीं मांगते। हमें पता है ये वजीरी आला के बस का काम नहीं रहा, हमें पता है ये गवर्नर के बस का काम नहीं रहा। हमें अब समझ आ चुकी है कि ये अवामी प्रेशर की बात है और इंशाल्लाह अवामी तो बाद में इसे वापस लेके छोड़ेंगे। ये वही चौक है जिस चौक में सुबह हजारा का वादा किया गया था, ना वो वादा मुस्लिम लीग नून ने पूरा किया, ना वो वादा पीटीआई ने पूरा किया। आज ये दोनों पीटीआई हुकूमत में है और नून लीग अपोजिशन में है, इन दोनों की कांपे टांग रही है। ये हजारे के हकूक के लिए नहीं बोल रहे। उस दिन किसी ने कहा कि मैक मलक चलाओ, इधर से इलेक्शन लड़ाओ। मैक मलक ने इनकार कर दिया कि हजारा में हमारे गुरु मौजूद है, हम इनके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपने मेरे गायक डॉक्टर तैरुल कादरी का नजरिया चोरी करके आज से चंद दिन पहले बोला है कि हर डिवीजन सूबा होना चाहिए, तो फिर जब सूबा बनेगा तो बोर्ड क्यों मुंतकिल कर रहे हो? ये हम नहीं होने देंगे। और मैं पीएमएलएन से भी कहता हूँ,
कि हजारा इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम किया जाए और हजारे के एक एक हक का हम तहफ्फुज़ करेंगे। और इस शेर के साथ इख्तिताम करूंगा, ये भी आपको बताता चलूं कि अगर हमारी बात ना मानी गई, दी सीधी उंगली से ना निकला तो टेढ़ी उंगली करनी हमें आती है। ये पीटीआई और ये नून लीग, यहाँ के एम पी है, मैंने मिनिस्टर एम पी है, इनको जिन्होंने हजारे वाल कौम ने इनको वोटे दे के मिनिस्टर बनाए, एम पी एम एन ए बनाए, आज की वो नीम की गोली लेके सो रहे हैं, वो वोट के हक में आज आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं। मैं जमील परमाई साहब की जिम्मेदारी की हैसियत से बताना चाहता हूँ कि आज मसला जमात का नहीं, किसी ऐसी पार्टी का नहीं, ये मेरे और तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। और इंशाअल्लाह अजीज जमीयत उलमा इस्लाम कल भी बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खड़ी थी, आज भी तुम्हारे साथ है। तुम लोग के कातिल भी हो, मक्तल के अमी भी, तुम लोग के जिल्लाद भी हो, मुफ्ती ए दीन भी, हम लोग के मेहनत की जजा भी ना हमारी, तुम लोग के फौजें भी हो, बंदूकें भी तुम्हारी, हम लोग के सरेदार भी गोगा नहीं करते, हम लोग के सरेदार भी गोगा नहीं करते। बड़े अफसोस वाली गल करसा कि आज नुमाइंदे आए थे होना चाहिए या मुश्ताक अली पोस्टर लाने नाल कि मैं हजारे का वोट मुंतकिल नहीं होने दूंगा, पोस्टर लाने नाल कदे भी वोट नहीं रुकिया, वोट हमेशा मैदान में जासे, सारे नाल आके खलसे, सारी बाबर से इंशाल्लाह अजीज सारिया लाशों तो लंगे वोट जो लगता है, अगर सारिया लाशों तो लंग के तुझे वोट कहन के दा तो फिर भी इंशाल्लाह हजारे की कौम तुझे कदे भी माफ न करसी। मौजूदा जो हुकूमत है ये वोट इन्होंने नहीं दिया, ये 32 साल पहले ये नहीं थे, हम खुद लाए हैं, हजारे वाले लाए हैं और हजारे के लिए लाए थे, आज ये सब खत्म कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ के वज़ीर-ए-आला रहे, गवर्नर रहे, क्या लाए हो प्रभात के लिए, क्या लाए हो हजारे के लिए, जो पहले से है तुम वो भी लेके जा रहे हो, किसकी टीसी कर रहे हो, आइंदा तुम वोट के लिए आओगे वोट पेशावर में होगा, वोट पेशावर वालों से लेनी है, हम दोबारा जाओ करेंगे। हजारा के साथ किसी किस्म की ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो इसको कंपनी हो, इसको वाले हमारी इसको कंपनी के लिए भी टांगे अड़ा रहे हैं, हम उनको भी खबरदार करना चाहते हैं कि खबरदार हमारे खो के लिए हमारे अवाम इंशाल्लाह कदम कदम हर जगह भी खड़े हैं। मुश्ताक अली साहब से मुलाकात की, उसके बाद फिर उन्होंने गवर्नर के पी के मुश्ताक अली साहब से मुजाकरात किए कि अब्दाबाद बोर्ड को मुंतकिल किया जाए कि ना किया जाए। ये आप सारे समझ सकते हैं कि एक ही एमपीए, एक ही गवर्नर और एक ही स्पीकर आपस में मुजाकरात कर रहे हैं, क्या वो ये नहीं कर सकते कि अपने एक दस्तखत से इस बोर्ड को और तमाम केपीके के बोर्ड्स को मुंतकिल ना करें, रुकवा दें? लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि जिस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं वो एजेंडा यहूद नसारा का है। यहाँ के एमपीए, यहाँ के एमएनए जनाब स्पीकर साहब हैं, यहाँ पर हमारे गवर्नर जनाब मुश्ताक अली साहब हैं, क्या आप उनकी एक कलम से वो इसको जाने से रोक सकते हैं? लेकिन वो नहीं रोक ले, अब आप सबको हम सबको लाली बाप दे रहे हैं, क्या ये होती है लीडरी? अली असर खान साहब, इलेक्शन कमेटी के मेंबरान आपको इस फारा चौक में ये ऐलान करते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, प्रेस क्लब में बैठें, किसी और जगह बैठें, अगर आपने हमें घायल कर लिया तो हम अपने मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारी आवाम हमारे इन शकूक और शुबहात को आप मुतमैन न कर सके और हजारे के आवाम का मुतालबा दुरुस्त हुआ तो आप उसी वक्त लोगों से माफी भी मांगेंगे और अपने मुतालबे से दस्तबरदार भी होंगे। हम किसी भी सूरत में हमायत नहीं कर सकते, उसकी भरपूर हम मुखालफत करेंगे। आरएनडी जो है वो सूबाई लेवल पर हमारी जो तंजीम है मलगरी उसान वो भरपूर तरीके से जो है वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रही है। सुतेली माँ का सलूक किया गया, अब भी एक जो हमारे पास एक मकाम है हजारे का, जो हमारा बोर्ड है वो भी हमसे छीना जा रहा है और पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। जहाँ पर हमारे सियासी कायदीन का कदम जाएगा और वहाँ पर हमारा खून गिरेगा,
इन्हें ये अख्तियार कैसे दिया, इन्हें ये जुर्रत किस तरह हुई। ये हमारे नुमाइंदे हैं, स्पीकर है या गवर्नर है, कोई भी है, आज हमें उन्होंने मजबूर किया है रोड पे आने के लिए। मैं दूसरा ऐलान, मैं सरदार सलीम साहब जो अपका के सदर हैं, इंशाल्लाह हमारी जो एक्शन कमेटी है अगर हमें कड़ी हुक्म दे, खुदा की कसम हम सारे सुकून सारे दफातर इंशाल्लाह मैं खुद जाके बंद करूंगा। किसी माई के लाल में जुरत नहीं है कि कोई भी हमारे हकूक नहीं छीन सकता, और जो भी हमारे हकूक छीनने की कोशिश करेगा इसी तरह हम रोड पर निकलेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे, रोड को रोकेंगे, धरना देंगे। किसी सूरत में हम अपने भाइयों से पीछे नहीं है, हमारी कोई तकरीर नहीं है, हमारा एहतजाज ही एहतजाज है, एहतजाज ही एहतजाज है, एहतजाज ही एहतजाज। और ये जो इंतबात बोर्ड है इसकी जो शिनाख्त है अजहारे के साथ ऑलरेडी ये गवर्नमेंट बड़ी ज्यादा कर चुकी है, तो एटलीस्ट ये इस तरह से ना करे। और मैं तमाम मकतबा फिक्र से ये गुजारिश भी करूँगा कि आप लोग जागें, ये आने वाली नस्लों का सवाल है। यहाँ से आज गुर्बत है, यहाँ पे कितनी महंगाई है, यहाँ से आप लोग नवाशहर जाने के लिए कितने बंदे को मसाइल होते हैं। तो जब आप लोग एक बच्चे की डीएमसी में प्रेक्षण के लिए यहाँ से जब आप पिशावर जाएंगे तो उस वक्त तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये हमारे लिए कितने मसाइल हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म से ये ऐलान करता हूँ कि मुकला बरादरी बोर्ड की मुंतकिली को किसी सूरत में तस्लीम नहीं करेगी, और इंशाल्लाह हम हर प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ मुकाबला करेंगे। इसका अलाहदों पे हुकूमत में फायज, अलाहदों पे फायज है, उनसे मैं मुतालबा करता हूँ कि अवाम को तकलीफ ना दें और अवाम के इस मुतालबे को तस्लीम करते हुए बोर्ड की मुंतकिली के नोटिफिकेशन को फौरन मंसूख करें कि हम बोर्ड को किसी सूरत शिफ्ट नहीं होने देंगे। ये हम किसी एक स्कूल या कॉलेज का मसला नहीं है, किसी पार्टी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मसला नहीं है, ये हम सबका मुश्तरका मसला है। तो इससे पहले जो ड्रामा रचा है सिंगल नेशनल करिकुलम या सिलेबस के बारे में, वो पूरी कौम ने देखा है उसका क्या रिजल्ट है। इसी तरह दूसरा, अभी ये जो कह रहे हैं कि यकसा सिलेबस होगा, यकसा एग्ज़ाम होगा, तो इसका यानी एक ऑलरेडी आठ जो बोर्ड हैं, हर बोर्ड का मेंबर सॉरी चेयरमैन जो है वो इस कमेटी का मेंबर होता है। तो आज ये जहाँ बैठे ना मीटिंग कर, अगर आप हुकूमत इस फैसले से वापस ना हुई तो इंशाल्लाह लजीज आपके बाद की ताजर बरादरी अपने भाइयों के साथ दाने हर वक्त शाने से शाना मिला के खड़ी होगी। हजारों और अब्दाबाद के तलबा आपके साथ हैं, जब भी ये आपको जरूरत पड़ेगी तलबा फ्रंट लाइन पे आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सूबा हजारा बनेगा इंशाल्लाह, ये बोर्ड ऑफिस की मुंतकली का जो मसला है ये उसकी पहली सीढ़ी है। अगर हजार राव को आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है तो खत्म कर दें इसको, हमारा सूबा अलग कर दें। हम अपना सूबा फिर चाहते हैं कि सूबे को अलग कर दिया जाए, हम जाने फिर हम हमारा बोर्ड जाने, ये हमारा हक है। असि आखने हजारे दे जिहड़े वसाइल ने हजारे ते लो, असा सूबा दियो, लेकिन वो चीजा पिछे रह गई हैं जिहड़ियां चीजा साडे कोल अवेलेबल ने, साडे बच्चियां कोल ओह भी पईयां खस्सियां जुंदियां। क्या तुसी इतने कमजोर हो गए हो, क्या अपने हक आस्ते आवाज बुलंद नहीं कर रखते हो, क्या अपने बच्चों के हकूक आस्ते तुसी सारे कठे नहीं होते हो। याद रखियो, जब तक तमाम तंजीमा सियासी मजहबी समाजी मीडिया पर्सन एजुकेशन के जितने लोग हो ईवान तजारत तुसी सारे इकट्ठे होके एक आवाज होके अपना लाए अमल पेश ना कर सो, ये अटको पार आले तो साइज ही खड़ांदे रह सो। सही काम सारे के सारे रोडों पर होंगे अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे कि हमारी नौकरियां खत्म कर दी जाए, लेकिन अब तो बाद बोर्ड को यहाँ से शिफ्ट न किया जाए। हम अपने बच्चों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक सोची समझी साजिश के तहत कैसर आलम एक ब्यूरोक्रेट है जो न एजुकेशन से उसका तल्लक है न किसी से उसका तल्लक है, ये एक बाहर की डोनर एजेंसी है, ये केपीके के सारे बोर्ड उसको बेचना चाहते हैं। इंसाफ क्या जिनको हम हमेशा इन चौको चुनाव में आके मुजम्मत करते चले रहते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि आप वक्त वहाँ पे हमें ला के खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ
हजारेवाल की हैसियत से सिर्फ एक सुबह हजारा का मुतालबा करते हैं। सारे